जी स्पीकर साहब जी मोहतरमा नाज बलोच साहिबा जी जी स्पीकर साहब मेरा सवाल जो है वो स्पीकर साहब मैं बात करूं जी अब्बासी साहब देखें आपने आज तमाम पार्लिमानी लीडर्स ने बैठ के इस हाउस के डेकोरम को बरकरार रखने का जो फैसला किया है हम समझते हैं कि सबकी जिम्मेदारी है। थैंक यू वेरी मच जी मोहतरमा नाज बलोच साहब जी मोहसिन राजे साहब तशरीफ रखें जी 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 स्पीकर साहब ये मेरा सवाल जो है वो जी स्पीकर साहब मेरा सवाल के इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है और पहले हाउस को ऑर्डर में करें या तो उनको मौका दें अपनी ऑर्डर इन द हाउस जी मोहतरमा नाज बलोच साहब जी सर चेयरमैन साहब बात यह है कि देखिए या तो उनको पर्सनल एक्सप्लेनेशन का मौका दे दें ताकि फिर मैं आसानी से बात कर सकूं इस तरह तो मेरी बात स्पीकर साहब आपकी तवज्जो स्पीकर साहब इस तरह तो मैं बात नहीं कर पाऊंगी या तो उनको पर्सनल एक्सप्लेनेशन का मौका दें या हाउस को ऑर्डर में करें प्लीज स्पीकर साहब आपकी तवज्जो चाहिए हाउस इन ऑर्डर करें प्लीज जी स्पीकर साहब हाउस ऑन ऑर्डर होगा तो मैं बात करूंगी मैं कैसे बात मोहतरमा नाज बलोच सभा आप जारी रखें हाउस मेरा सवाल स्पीकर साहब उनको पर्सनल एक्सप्लेनेशन मोहसिन राजे साहब आप कानून दान है ऑनरेबल मेंबर है आप तशरीफ रखें जी आप तशरीफ रखें जब आपको मौका दिया जाएगा पहले भी दिया आप तशरीफ रखें स्पीकर चेयरमैन साहब शुक्रिया आपने मौका दिया बात करने का अच्छा मेरा सवाल जो है वो कराची एक तो हाउस इन ऑर्डर करवाए प्लीज जी बहुत सारे हाउस इन ऑर्डर प्लीज जी प्लीज जी दोनों साइड से जी मस्ती खेल साहब भट्टी साहब प्लीज आप सीनियर लोग हैं शुक्रिया स्पीकर साहब अनफॉर्चुनेट इज इट कि हमें बार बार कहना पड़ता है कि हाउस को ऑर्डर पे किया जाए देखिए चेयरमैन साहब बात यह है कराची इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से मैं बात करना चाह रही हूं 18-18 घंटे 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग कराची भर में हो रही है और तवातर से हो रही है और जब कंप्लेन की जाती है कि इलेक्ट्रिसिटी को तो बहाना बनाया जाता है कि नई लाइनें बिछ रही हैं मेंटेनेंस का काम हो रहा है और लोगों को एक पेंडेमिक के दौरान कोरोना वायरस जैसे एक खौफनाक मर्ज के पेंडेमिक के दौरान तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है 18-18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और सुनने वाला कोई नहीं आप इशू के ऊपर बात करें क्योंकि आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोल रहे हैं आपको रूल 18 का पता होना चाहिए मैं आपको इशू के ऊपर ही बात कर रही हूँ स्पीकर साहब चेयरमैन साहब जब हम ये 18 घंटे की लोड शेडिंग का सवाल उठाते हैं और ये पूछते हैं कि किस कैपेसिटी में आपने के इलेक्ट्रिसिटी को मजीद 2 से 2.5 रुपए इजाफे की इजाजत हुकूमत ने किस कैपेसिटी में दी है ये सौतेला सलूक कराची के साथ सिंध के साथ क्यों हो रहा है इस सवाल के जवाब में हमें आए बाए शाए और ब्लेम गेम के जवाब आते हैं शुक्रिया जानिब से मेरी बात मुकम्मल होने दे मिनिस्टर साहब खड़े होकर गटरों के ऊपर बात करते हैं उन्हें कहे कि केएमसी आपके इत्तेहादियों के पास है 4 डिस्ट्रिक्ट के डीएमसी आपके लोग शुक्रिया जी जमशेद थॉमस साहब जी